हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से शाम की फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ। और आज सबसे बड़ी खबर ये है कि आज हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री महिला फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, जो कि अर्बन एरिया, रूरल एरिया में अलग अलग जगह पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्पेशली ये बात कही गई है। हम उस पर बाद में बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा मार्केट को हम समझ लें। सेंसेक्स आज भी बहुत अच्छा रहा, पूरा ग्रीन रहा, निफ्टी भी ग्रीन रहा। सेंसेक्स 1500 पॉइंट तक गया और 1410 पे बंद हुआ। निफ्टी 323 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई, यानी आप कह सकते हैं कि दो दिनों से अच्छी चीज़ें चल रही हैं और मार्केट थोड़ा सा खुश है। अब देखते हैं ये खुशी कब तक रहती है, लेकिन इसका मेजर जो कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं यूएस मार्केट में जो दो ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हुई है, जो पैकेज की बात गई है, और आज इंडिया ने भी राहत दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटिमेंट पे तो असर रहना चाहिए। आगे बात करते हैं रघुराम राजन। उन्होंने कहा है कि केवल लॉकडाउन ही करना सॉल्यूशन है, इसके अलावा भी बहुत तरह के मेजर्स लेने होंगे। WHO ने भी यही बात कहा है कि आपको एक एक कोरोना वायरस को ढूंढ के ख़त्म करना होगा, तभी जाके ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़, सैनिटाइज़र में गवर्नमेंट ने जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके प्रोसेस को आसान कर दिया है, उसको जो अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है तो उस पूरे प्रोसेस को भी आसान कर दिया गया है। शाम में जैसे मॉर्निंग में मैंने बताया था कि MCX की टाइमिंग को चेंज करने की बात हो रही है, वो अभी हो गई, नोटिफिकेशन आ गया। MCX अब 5 बजे तक ही काम करेगा और 15 मिनट के लिए क्लाइंट मोडिफिकेशन के जो काम होते हैं वही होंगे। तो ये रहा मार्केट की बात। अब बात करते हैं जो निर्मला सीतारमन ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है उसमें क्या क्या है और किसे ये मिल रहा है। सबसे पहले बात करें तो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस किसको है? डॉक्टर, पारामेडिक, उसके अलावा नर्सेस, टेक्नीशियन, आशा वर्कर, पुलिसमैन और ऐसे जो लोग जो इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं उनको 50 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस दिया गया है। ये लगभग जो गवर्नमेंट बता रही है कि 20 लाख लोग इसमें कवर होंगे। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। उन्होंने गरीबों को ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो लॉकडाउन है उसमें किसी तरह के उन्हें खाने पीने की प्रॉब्लम ना हो, उससे रिलेटेड है। जो अभी क्या है कि 5 kg राइस, 5 kg वीट प्लस 5 kg एक्स्ट्रा उन्हें राइस या वीट मिलेगा या मिक्स कर सकते हैं, साथ के साथ 1 kg पल्सेस भी मिलेंगे, ये भी फ्री है। और 5 kg जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो भी फ्री है। जो पहले था वो जो बताया वो पेड था, लेकिन 5 kg जो एक्स्ट्रा और प्लस दाल वो फ्री है। कैश ट्रांसफ़र की बात करें तो महिलाओं के पास जनधन योजना है उनको 500 रुपया पर मंथ 3 महीने तक दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि 20 करोड़ लोग इससे इम्पैक्ट होंगे। उज्ज्वला योजना, अगेन उज्ज्वला योजना में सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी, तो आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि उनको खाना तो दे ही रहे हैं, कैसे खाना बनेगा उसकी भी सुविधा की जा रही है। तो लगभग जो BPL कार्ड होल्डर हैं 8.3 करोड़ लोग, उनको नेक्स्ट 3 मंथ सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, लगभग 63 लाख SHG हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनका जो पहले का था वो 10 लाख रुपए की लिमिट थी उसे बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। उन्हें अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है, यानी कि उनको ये भी कोशिश किया जा रहा है कि जो लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग या जो वो छोटी मोटी जो काम करती हैं उन्हें ये चीज़ की सुविधा दी जाए कि जो प्रोसेस है उसको रोका ना जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एक वेलफेयर सोसाइटी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें भी लगभग 31 लाख करोड़ का बेनिफिट 3.5 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र के लिए भी गवर्नमेंट ने बात की है कि मेडिकल टेस्टिंग स्क्रीनिंग के लिए भी फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाएगा। फार्मर को 2,000 रुपये का अप्रैल के फर्स्ट वीक में उनको ये जो निधि योजना का बेनिफिट था वो दिया जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में। लगभग 8.69 करोड़ लोगों का इसका बेनिफिट मिलेगा। मनरेगा में भी क्या किया गया कि मनरेगा के रेट को बढ़ाकर 182 रुपये से 202 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो 60 एज से ऊपर हैं, विडो हैं, विकलांग हैं, उनको भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए कहा गया है। 1,000 रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट जाएगी अगले 3 महीने में, यानी कि गवर्नमेंट ने इस तरह के बेनिफिट देने की कोशिश की है सो दैट कि उनको इसका फ़ायदा मिल पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें EPFO, उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर जो 12% का कंट्रीब्यूशन होता है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए गवर्नमेंट देगी। कैसे? अगर कोई कंपनी जिसमें कि नंबर ऑफ़ एम्प्लाई 100 से कम हो
और उनकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये से कम हो 90% लोगों के लिए। अगर इस तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग या उस तरह का कोई कोई बिजनेस है, वहाँ पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट 3 महीने की पीएफ का ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन देगी। ये तो आज का आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक जो गरीब लोग हैं इस 21 डेज का जो लॉकडाउन है, तो गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 3 मंथ का प्लान करके उनको ये बेनिफिट दिए। लेकिन अभी भी सवाल बहुत बड़े बाकी रह गए। अगर आप उनके आज स्पीच को सुने तो उस बीच जब क्वेश्चन लिया जा रहा, तो उसमें 3 बार एक क्वेश्चन किया गया जो मैं पिछले 10-12 दिनों से इस पॉइंट को रेज कर रहा हूँ, ईएमआई को लेके हर कोई के, उस पर किसी भी तरह का उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। कहा कि इस पर हम देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और समय आएगा तो हम बताएंगे। ये तो बहुत ज़रूरी था, जो हमारे गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनको इस तरह की फैसिलिटी की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारा पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर आज की डेट में बहुत सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, लिक्विडिटी के लिए लड़ रहा है। गवर्नमेंट को यहाँ पे भी दखल देने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें ये कहना कि अभी तो 2 ही दिन लॉकडाउन के हुए हैं, ये कोई जवाब मुझे नहीं लगता है कि है। यहाँ पे गवर्नमेंट को आपको एविएशन देखना होगा, आपको टूरिज्म देखना होगा, यहाँ पे छोटे एसएमई को देखना होगा, हर के ध्यान को रखते हुए। क्योंकि अगर आप रघुराम राजन के आज स्टेटमेंट को जो मैंने कोट किया कि केवल लॉकडाउन ही इम्पॉर्टेंट नहीं, आपको सारे क्योंकि आप गवर्नमेंट है, आप इस देश को चला रहे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर बिजनेसमैन जिसकी रिक्वायरमेंट है, इस लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम है, ये कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉर्ट आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं है। ठीक है, पैकेजेस की हो सकती है कि अपनी एक प्रॉब्लम हो, लेकिन गवर्नमेंट बहुत ऐसे भी प्लान ला सकते हैं जहां उनका कॉस्ट कम हो और वो एक बेनिफिट भी गवर्नमेंट आगे पास कर सके। तो खैर, आज के लिए इतना है। लेकिन जो भी आज अनाउंसमेंट हो, बहुत ज़रूरी था आज के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि गरीब लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, वही एक बेनिफिट देने की कोशिश की गई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना ना भूले। साथ के साथ हम हर OTT प्लेटफॉर्म, Fire TV, Apple TV, Android TV, हर जगह हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ के साथ ऐप डाउनलोड करके भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं टैक्स फॉर वेल्थ में। थैंक यू।